भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन गोरखपुर के जिला अध्यक्ष व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय मुख द्वार से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम से 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने बताया कि शहीदों के परिजनों के पक्ष में 3 सूत्रीय मांग पत्र जो हम छात्रों के सहयोग से प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है उसे माना जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए NSUI के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा, मनीष ओझा NSUI जिला अध्यक्ष गोरखपुर, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो हमारे 43 CRPF जवान शहीद हुए हैं उनके संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपने आए हमने साथी भाइयों के साथ, जिसमें हमारी मांगे हैं कि उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दिया जाए उनके परिवार के सदस्यों को और जीविकोपार्जन के लिए उनके परिवार के किसी भी स्थायी व्यवसाय को उनके घर में स्वचालित रूप से चलाया जाए और 10 लाख रुपये मुआवजे की भी हम लोग मांग किए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने साथी भाइयों के तरफ से कि उस पर कोई कड़ा कदम उठाते हुए और हमारे मांग पत्रों में जो 3 सूत्री मेरी मांग पत्र है उसे तत्काल प्रभाव से उस पर निर्णायक कदम उठाया जाए ताकि उनके परिवार वालों के साथ न्याय हो। धन्यवाद।